Good morning, dear students. Today we are going to start chapter number 3 HTML. HTML is a computer language. What is the full form of HTML? Hypertext Markup Language. Okay. Main topic of the chapter Introduction to HTML, Headings, Break Tag, HR Tag, Commands, Mark You, Font Tag, Changing Background Color, Paragraph Tag, Creating and Saving an HTML Document. Viewing an HTML file in a browser, modify HTML documents. Okay, so let's start introduction to HTML. HTML stands for hypertext markup language where एम एल एच टी एम एल स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेयर हाईपर टेक्सट इज सिंपली अ पीस ऑफ टैक्स दैट वर्क एज अ लिंक हाइपर क्या एक मार्कअप लैंग्वेज है जो क्या करता है सिंपली वर्क ऑफ टेक्स्ट दैट वर्क एज अ लिंक हम एच टी एम एल में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कोडिंग एंड आफ्टर दैट वी रन इन ब्राउजर मार्कअप लैंग्वेज इज अ वे ऑफ राइटिंग लेआउट ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन डॉक्यूमेंट्स एच टी एम एल वर्क ऑन अ वेरी सिंपल एंड लॉजिकल फॉर्मेट, रिटर्न विद टैक्स एंड यूजिंग टैग्स एंड एट्रीब्यूट जब हम एच टी एम एल में वर्किंग करते हैं तब हम क्या यूज करते हैं टैग्स एंड एट्रीब्यूट विच वर्क टूगेदर टू फॉर्मेट डिफरेंट पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड द टेल वेब ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले दैम और डिस्प्ले पे कैसे हम उसको रन करते हैं फर्स्ट टैग इज़ एच टी एम येडिंग टैग दिस इज़ कॉल्ड हैडिंग टैग दैग आर यूज इन एच टी एम एल डॉक्यूमेंट टू डिस्प्ले हेडिंग्स हैडेड टैग किस लिए यूज होता है एच टी एम एल में हैडिंग्स देने के लिए हैडेड टैग्स आर यूज टू मैनिकुलेट द साइज ऑफ द हेडिंग्स दे मेक योर हैडिंग लार्जर और स्मॉलर अकॉर्डिंग टू द टैग यूज अब हमारे पास टैग टैग यूज़ का क्या वर्क है कि हमारे पास वो टेक्स्ट को लार्ज भी करता है और स्मॉल भी करता है देयर आर सिक्स हैड्रेड टैग्स इन एच टी एम एल फ्रॉम एच वन टू एच सिक्स एच वन क्या होता है लार्जेस्ट साइज और एच सिक्स होता है स्मॉलेस्ट साइज फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस हम कैसे एच टी एम एल कैसे क्रिएट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एच टी एम एल को स्टार्ट करते हैं इन नोट पैड दैन हेड टाइटल यहाँ पे टाइटल कुछ भी डाल सकते हो आप हेड क्लोज बॉडी स्टार्ट बॉडी में हम जो भी वर्क करते हैं वो बॉडी में राइट करते हैं देन बी आर बी आर मीन्स होता है लाइन ब्रेक नेक्स्ट लाइन में हमारे पास एंटर हो जाता है टेक्स्ट लाइन ब्रेक उसके बाद क्या करते हैं दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट बी आर क्लोज बॉडी क्लोज एच टी एम एल क्लोज ओके नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रेक टैग ब्रेक टैग इज एन एम्प्टी टैग यूज्ड टू ब्रेक अ लाइन ब्रेक टैग क्या होता है एक एम्प्टी टैग होता है इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता ये किस लिए यूज़ किया जाता है लाइन्स को ब्रेक करने के लिए पी मीन्स होता है पैराग्राफ टैग एच आर टैग एच आर टैग मीन्स होता है हॉरिजॉन्टल टैग्स इट गिव्स यू अ वे टू सेपरेट सेक्शंस ऑफ योर डॉक्यूमेंट विजुअली एच आर क्या करता है हमारे सेक्शंस को क्या कर देता है डिवाइड कर देता है फॉर एग्जाम्पल एच आर एच आर साइज वैल्यू विथ और वैल्यू एच आर साइज़ कितनी लिया फोर्थ और वृथ कितनी होगी फोर्टी अब देखिए माई फर्स्ट पेज और जिन बच्चों के पास सिस्टम है वो जरूर करके देखेंगे एच टी एम एल फर्स्ट ऑफ ऑल वी कोडिंग हम किस में करते हैं इसकी नोट पैड में देन इसको सेव करने के बाद रन किस पे करते हैं ब्राउजर पे ब्राउज़र आपको कोई भी हो सकता है गूगल क्रोम मोजीला फायर फोक्स वट एवर कमेंट्स कैसे राइट करते हैं कमेंट्स आर वन ऑफ द टेक्सचुअल कंटेंट विच अपीयर इन द डॉक्यूमेंट बट आर नोट रिकोगनाइज बाय द ब्राउजर कमेंट्स आप कुछ भी दे सकते हो जो भी आपने टेक्स्ट राइट करना है फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कमेंट दिस इज़ अ प्रोग्राम विच विल बी यूज एज अ मल्टी लाइन कमेंट्स मल्टी लाइन कमेंट्स भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं मार्क्यू क्या होता है अ टेक्स्ट प्लेस विद दिस टैग कैन बी स्क्रोल इन द स्पेसिफाइड डायरेक्शंस द डायरेक्शंस स्क्रोलिंग शुड बी स्पेसिफाइड विद इन द डायरेक्शंस ऑफ एट्रीब्यूट आपने देखा होगा जो आर सी टी पी वाली बसेस होती हैं उनमें स्क्रीन लगी हुई होती है उसमें हम कौन से टैग का यूज़ करते हैं मार्क्यू टैग वो स्क्रोलिंग में चलती रहती है स्क्रीन ओके तो मार्क्यू वेलकम टू वर्ड ऑफ कंप्यूटर्स ये अगर हम यहाँ पे टैग देंगे मार्क्यू और मार्क्यू को क्लोज करेंगे तो जो वेलकम टू वर्ड ऑफ कंप्यूटर ये हमारे स्क्रीन पर स्क्रोल होता रहेगा फोन टैग अब देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फोट टैग्स विच इज़ यूज इन साइज स्टाइल एंड कलर फोन फेस सिंटेक्स क्या होगा फोन फेस नेम ऑफ द फोट और फोट क्लोज उसके बाद फोट साइज़ सेम एज इट इज़ फ़ोट साइज़ और फोट क्लोज नेक्स्ट ऐसे ही आप क्या करोगे फ़ोट कलर फोट का कलर लोगे बैकग्राउंड में कलर लोगे फोट कलर फोट कलर नेम ऑफ द कलर ऑफ कोड ऑफ कलर फोट को क्लोज और फोट कलर रेड अगर हमने रेड लिया अब ये हमारे पास हम ऐसे भी लिख सकते हैं कलर का नेम और हमारे पास ये क्या होते हैं कोड्स होते हैं ओके चेंजिंग बैकग्राउंड कलर अगर हमें बैकग्राउंड में कलर कर चेंज करना है तो उसका टैग क्या होता है बी जी कलर इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग बी जी कलर हम कहाँ पे यूज़ करेंगे बॉडी में कोई भी टैग अगर हम यूज़ करते हैं वो कौन सी में किस में यूज़ करते हैं बॉडी में ओके अब देख लीजिए कैसे करेंगे यूज़ बॉडी बी जी कलर नेम ऑफ द कोड ऑफ़ कलर ये यहाँ पे कलर डाल दोगे आप येलो डाल दिया उसके बाद आता है पैराग्राफ पी रिप्रेजेंट पी टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ पी क्या रिप्रेजेंट करता है पैराग्राफ पी टू स्टार्ट अ पैराग्राफ न्यू पैराग्राफ टू एंड अ पैराग्राफ पी अलाइनमेंट सब हमारे पास फोर टाइप्स की होगी लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई आपने ये चारों अलाइनमेंट्स यूज करनी है उसके बाद अपने टेक्स्ट को राइट करोगे यहाँ पे क्रिएटिंग एंड सेविंग एन एच टी एम एल डॉक्यूमेंट अब क्रिएट कैसे करते हैं और एच टी एम एल डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन अ टेक्स्ट एडिटर लाइक नोट पैड फर्स्ट ऑफ ऑल वी ओपन नोट पैड चूज न्यू ऑप्शन फ्रॉम द फाइल मेन्यू राइट द एच टी एम एल कंटेंट आप क्या करोगे एच टी एम एल कंटेंट को सेव द फाइल बाय चूजिंग सेव एज ऑप्शन फ्रॉम द फाइल मेन्यू और हमारे पास फ़ाइल किससे सेव होती है नेम डॉट एच टी एम एल नेम फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने तनवी लिया डॉट एच टी एम एल आपको डॉट एच टी एम एल लगाना ही है तभी आपकी फ़ाइल एच टी एम एल की सेव होगी इन द सेव एज डायलॉग बॉक्स वाइल नेमिंग द फ़ाइल वी गिव द एक्सटेंशन एज़ एच टी एम और एच टी एम एल एच टी एम भी यूज़ कर सकते हो और एच टी एम एल भी यूज़ कर सकते हो क्लिक कौन सा बटन ऐसे ही करके आपकी फाइल क्या हो जाएगी सेव हो जाएगी देन व्यूइंग एन एच टी एम एल फाइल इन अ ब्राउजर अब ब्राउजर पे कैसे रन करेंगे आफ्टर क्रिएटिंग एन एच टी एम एल डॉक्यूमेंट यू कैन ओपन इट इन द वेब ब्राउज़र कैसे ओपन करोगे ओपन द ब्राउजर सॉफ्टवेयर फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट एक्सप्लोरर अब हमने कौन सा लिया इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे वहाँ से क्या करेंगे हम चूज़ फाइल वहाँ से क्या करेंगे फाइल को चूज़ करेंगे देन ओपन करेंगे लोकेट द वेब पेज दैट दैट वी वॉन्ट टू सी क्लिक ओपन आपकी फाइल यहाँ से ओपन होगी उसके बाद ओपन होने के बाद देखिए आपकी फाइल कैसे ओपन होने के बाद आपकी फाइल ऐसी दिखाई देगी थॉट ऑफ द डे हमने ये डाला था बॉडी में और हमने थॉट ये डाल दिया ओके okay? नेक्स्ट है मॉडिफाई एच टी एम एल डॉक्यूमेंट्स अगर हमें उसे मॉडिफाई करना है अगर हमें उसका नेम चेंज करना है या उसे ओपन करना है तो हम क्या करेंगे सेम एज डी सिलेक्ट द लोकेशन वेयर यू वॉन्ट टू सेव योर एच टी एम एल फ़ाइल अब हम कहाँ सेव करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स में डाउनलोड्स में एच टी एम एल में वो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे कि आपने अपनी फाइल का नेम किस में सेव करना है ओके okay, स्टूडेंट्स तो जिन बच्चों के पास सिस्टम है वो जरूर करके देखेंगे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो यू आस्क मी ओके स्टूडेंट्स थैंक यू हैव अ नाइस डे